अब वो आउट होगा। चलो रहने दो, बस बस बस, है ना। बाप रे, ये तो पूरा ही गांव में जा रहा है, ये थोड़ा सा बाहर को है। चलिए परमिट लेना पड़ता है अभी से। परमिट फिर ऑटो कट करो। हाँ, तो 60 किलोमीटर राइड करने के लिए मैंने लिया इसमें। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी आज हम चलते हैं एक टेस्ट करने, टेस्ट बोले तो माइलेज टेस्ट। तो एक छोटी राइड भी रहेगी और माइलेज भी टेस्ट करेंगे अपनी जावा का। हो गए हैं इसको लिए 2 साल से ज़्यादा। तो मैंने एक्चुअल में कभी इस तरीके से माइलेज टेस्ट कभी नहीं किया, ऑनेस्टली बताऊँ तो। तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरा आप बाइक का पेट्रोल अगर देख रहे हो तो हाफ के अराउंड है। तो अभी इसको मैं एक बार टैंक फुल कराऊंगा। टैंक फुल कराने के बाद थोड़ा राइड करेंगे, करीब करीब 30-40 किलोमीटर टाइप। फिर देखेंगे कि एवरेज कितनी निकलती है। तो स्टार्ट करते हैं। और अभी चलने के बाद मैंने नोटिस करा कि जो मेरा फ्यूल है, जो मेरे को फ्यूल इंडिकेट करता है, वो जब मैं घर पे था तो थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा था, लेकिन अभी कम हो गया है। उसका रीज़न यही है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बाइक चला रहा हूँ और टैंक फुल करके चलाता हूँ, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि इसमें फ्यूल वाकई कम होगा। तो अभी चल के पहले तो ये देखते हैं कि कितने में टैंक फुल होता है इसका, वो एक बार देख लेते हैं और चेक करते हैं फिर हमारा एवरेज। एक और रेड लाइट, हालांकि अब मंजिल दूर नहीं है, इंडिकेटर और नीचे जाता जा रहा है। हालांकि अब यहाँ से पेट्रोल पंप ज़्यादा दूर नहीं है, पास नहीं है, यहाँ से आगे जाके लेफ्ट और राइट और लेफ्ट पहुँच गए। कल मैं गया था अपने फ्रेंड से मिलने और उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी है। यहाँ पे एक क्लब है क्लासिक जावा और यस भी उनके पास रहती हैं, तो उनके साथ में मिलके काफ़ी कुछ करने का प्लान है। तो आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लो, बेल आइकॉन प्रेस करो ताकि आप अपडेटेड रहे कि क्या आने वाला है। तो कंटेंट काफ़ी यूनिक और काफ़ी डिफरेंट लाने की कोशिश में मैं हूँ अभी। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन प्रेस करो। मैं ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ अभी पेट्रोल पंप। चलो टैंक फुल कराते हैं पहले। हाँ, ऑटो कट ठीक है, नहीं ऑटो कट ही रहने दो। तो अभी ऑटो कट पे फुल कराया है मैंने टैंक, तो चलते हैं यहाँ से टैंक फुल और चलते हैं और रीडिंग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे है 742.7 सिटी के अंदर से मैं चल रहा हूँ हाईवे साइड पे, और मेरा टारगेट यही रहेगा कि आते हुए भी किसी पेट्रोल पंप से फिल कराऊँ। तो हम चले थे 27.7 किलोमीटर था जब हमारी बाइक चली थी, 7427.7। और अभी तो ये सिटी की लाइट्स हैं, तो मेरा टारगेट है कि भाई थोड़ा सिटी में भी बाइक को चलाएं एवरेज कम करने के लिए, और उसके बाद अगर लगता है कि हाँ हाईवे टच करना है तो हाईवे पे चलेंगे थोड़ा। उससे क्या रहेगा ना, एक नॉर्मल एवरेज निकलेगी, हमें पता रहेगा कि हाँ भाई हम इधर भी चले उधर भी चले और हमने डिफरेंट एरियाज पे बाइक को चलाया है। और मैं आपको सही बताऊँ, जब से मैंने बाइक ली है मैंने इसका एवरेज कभी भी नहीं निकाला। मैं क्या करता था, जैसे आज मैंने टैंक फुल कराया, उसके बाद कई दिन बाद जब दोबारा नौबत आती थी टैंक फुल कराने की, तब मैं ज़रूर एक रफ कैलकुलेशन करके देख लेता था। ये वाकई एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया मुझे कि जहाँ पे मैं एवरेज इसका निकाल सकता हूँ बाइक का। और मुझे तो रुक रुक के देखना पड़ेगा मैं लेफ्ट जाऊँ या राइट जाऊँ, मुझे खुद नहीं पता है किधर जाऊँ। बाप रे, ये तो पूरा ही गाँव में जा रहा है, ये थोड़ा सा बाहर को है। एक काम करते हैं, सहारा लेते हैं गूगल देवता का। बहुत ज़्यादा जल्दी थी इसको,
सामा गूगल का हाल, कहाँ फंस गए मेरे यार। फॉरेस्ट व्यू एनक्लेव, भैया ये रास्ता किधर जाता है? नया गाँव, ठीक है। कोई माता का भी मंदिर है अगर यहाँ से मुड़ेंगे तो। और ये कंसल स्ट्रीट फूड है यहाँ पे, ये है उतना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेट्स आर नॉट अलाउड इनसाइड। अच्छा तो ये कंसल फॉरेस्ट है, क्या रहता है यहाँ पे पूछते हैं। इसके लिए परमिट लेना पड़ता है। परमिट वो किधर से लेना होगा? ये दफ्तर है 19B में। अच्छा तो वहाँ से परमिट लेकर के फिर जा सकते हैं। हाँ जी। तो अंदर फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं? हाँ ये वो वहाँ पे दफ्तर में आपको बता देंगे सब कुछ। अपने उस पे जाओगे आप घूमोगे ना अंदर। हाँ। कोई वो नहीं है, वो परमिट पे ना सब कुछ लिखा होता है। अच्छा क्या क्या होगा, कैसे घूमना है, क्या सब कुछ बना रखा है। पिकनिक के लिए पार्क है, थोड़ा लोगट है। अच्छा बीच में NIC बन रही है अभी, तैयार हो रही है, वो मार्च में तैयार हो जाएगी। और परमिट में कुछ वो भी लगता है, पैसे वैसे भी लगते हैं? फ्री है वो, फ्री रहता है। हाँ जी। ऑफिस का नाम क्या है? ये पर्यावरण भवन बिल्डिंग है, मध्य मार्ग पे, मध्य मार्ग पे फ्लोर पे ऑफिस है। हाँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। थैंक यू जी। मतलब सीरियसली आज हम निकले एवरेज निकाल ले बाइक की, वाओ पता चलेगा जावा कितना देती है। चंडीगढ़ का हाई कोर्ट आ गया तो मेरे को इधर हाई कोर्ट का तो कोई काम नहीं है भाई। जब चलते हैं यहाँ से वापस। और ये है वन वे, बेसिकली इनसे पूछते हैं। अंकल जी बाहर हाईवे पे निकलने के लिए रास्ता निकल जाएगा? कहाँ है? हाईवे पे अगर जाना है। हाई कोर्ट हुई है जी? नहीं हाईवे, हाईवे हाईवे तो सीधा चल दो। अच्छा वापस ही जाना पड़ेगा? अभी तो एडवेंचर चालू है और अभी मैं आया हूँ अप्रॉक्स 21 किलोमीटर, नहीं 21 से ज़्यादा हो गया। और अभी प्लान ये है कि यहाँ से थोड़ा सा हाईवे साइड पे निकल रहा हूँ सो दैट थोड़ा सा स्मूथ राइड का भी मज़ा ले लें। सिटी में हमने देख ही लिया गड्ढों में और कंजस्टेड रोड्स में चला के। गाइज अभी मैं आया हूँ 30 किलोमीटर, पूरे 30 किलोमीटर मैंने अभी चला लिया है बाइक। और टेरेन आपने देखा ही है कि कैसे कैसे रस्तों पर मैंने चलाई, सिटी में चलाई है और सिटी में भी जिसको कहते हैं एकदम अंदर की गलियों में ऐसे रस्तों पे चलाई है बाइक। और वो सब कुछ करके अभी मैंने 30 किलोमीटर कवर कर ली। अब मैं पहुंच गया हूँ हाईवे पे, तो आइडिया अभी ये है कि यहाँ से आगे 5 to 10 किलोमीटर्स में जाऊँगा और वो 5 to 10 किलोमीटर्स कवर करने के बाद फिर वापस यू टर्न काट के हम चलेंगे पेट्रोल पंप पे। सेम पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलाएंगे या हो सकता है एक और पेट्रोल पंप है वहाँ से भी पेट्रोल ले सकते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे कि कितनी एवरेज इसकी आती है। मेरे को तो उम्मीद है बढ़िया ही होगी, बाकी फैक्ट्स बताएंगे कितनी आती है। तो इधर से चलते हैं आगे, थोड़ा खुले में भी राइड करें यार। अभी 60 किलोमीटर राइड करके वापस आ गया पेट्रोल पंप पे और यहाँ पे से अभी फिलिंग कराते हैं, देखते हैं कितने में अब हमारा रिमेनिंग टैंक फिल होगा।
तो मैं सेम जगह पे वापस आ गया हूँ जहाँ से मैं पहले फिल करा के गया था, और यहाँ पे फिर से फिलिंग करानी है, टॉप कराएंगे। सेम ऑटो कट पे कर देना फुल। कैमरा लगाया हुआ है ब्लॉगिंग करता हूँ तो ब्लॉग बनाना है इसका। अभी आप डलवा के गए थे ना? हाँ अभी डला के गया था ना। हाँ। अभी कर देना ऑटो कट। फिर ऑटो कट करूँ? हाँ। क्या करवा रहे हो आप इसका? मैं इसकी एवरेज निकाल रहा हूँ कि कितना एवरेज देती है। क्या होता है? हो गया ना ऑटो कट? अभी कहाँ हुआ? हो गया होगा अब हुआ ऑटो कट। चलो रहने दो, बस 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 है ना। कार्ड से पेमेंट है? अच्छा एवरेज निकाल रहे हो इसकी? हाँ। तो अब बार बार डलवाओगे इसमें तेल? नहीं नहीं बस अब हो गया। अच्छा अभी एवरेज? अभी 60 किलोमीटर चला के लाया ना। 60 किलोमीटर आप चला भी लेके आए? हाँ। तो 60 किलोमीटर चलाइए, देखो अभी 1.5 लीटर आ गया इसमें, तो अप्रोक्सीमेट दे रही है 40 के अराउंड तो दे ही रही है। आपका बिल। थैंक यू जी। आई होप आप लोगों को रीडिंग दिख रही होगी इसमें 7487 राइट। तो हमने 7427 पे स्टार्ट किया था और 7487 पे अभी हम आ गए हैं। दैट मीन्स हमने 60 किलोमीटर बाइक अपनी राइड करी है। तो 60 किलोमीटर राइड करने के लिए मैंने लिया इसमें 1.62, तो मैं गया 60 किलोमीटर 1.6 लीटर में और मैं रुका थोड़ा खुले में। तो गाइज जैसा आपने देखा बाइक की एवरेज पोटेंशियली बहुत अच्छी है। डिपेंड करता है देखो आप कैसे चला रहे हो, कैसे उसको मेंटेन कर रहे हो, इन चीज़ों पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसमें बेसिकली मैंने देखो गलियों में भी बाइक चलाई है और गलियों में बाइक चल के हीट भी हुई है, मेरा रेडिएटर भी ऑन हो गया था। बट ये था कि मैंने जितनी भी राइड करी आज मैंने 45-50 किलोमीटर की स्पीड पे ही राइड करी, मैंने उससे तेज बाइक नहीं चलाई। और बाकी इसका सर्विसिंग वगैरह मैं प्रॉपर कराता हूँ, ऑन टाइम कराता हूँ। तो मैं आपसे यही बताऊँगा कि जो एवरेज इसमें आज आपने देखी है इट इज़ अप्रॉक्सीमेट, मतलब आप कह सकते हो कि मेरे को तो बहुत अच्छी एवरेज दे रही है, 38-40 अराउंड मेरे को अच्छी एवरेज निकाल के दे रही है। अगर आपको एवरेज कम मिल रही है तो आप इसको फिल करो और एक बार हाईवे पे लेके जाइए, लेकिन याद रखना कि आपने स्पीड पे फोकस नहीं करना, आपने स्पीड रखनी है मिनिमम दैट इज़ 50-60 हाईवे पे, तब आप देखो कि आपको क्या एवरेज दे रही है। अगर तब भी एवरेज नहीं दे रही दैट मीन्स कि हाँ फिर कुछ आप इसमें कर सकते हैं कि हाँ यार कोई तो प्रॉब्लम शायद हो सकती है। अदरवाइज़ बाइक को आप मेंटेन कैसे कर रहे हैं उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ लगेंगी बाइक के बारे में। और ये मेरी बाइक को 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल बाद इतनी अच्छी एवरेज देना इट्स समथिंग रिमार्केबल। तो मैं तो बोलूँगा जावा को कूडोज, आपने बहुत अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी मशीन बनाई है, आई एम वेरी हैप्पी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, कोई भी आपके पॉइंट्स है, कोई भी कंसर्न्स है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको बैटरी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स है तो आप मेरा बैटरी लाइफ वाला वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी बाइक को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस थोड़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ अलग करने का इरादा है। तो अभी के लिए गाइस साइन ऑफ, थैंक यू सो वेरी मच गाइस, बाय बाय।